इस बीच अहम खबर यह कि अंबानी परिवार के खिलाफ साजिश को लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट है। हाजी अली जंक्शन पर रुकी थी संदिग्ध कार, यह भी जानकारी सामने आई है। रात 12:20 से 12:30 तक हाजी अली जंक्शन पर यह कार रुकी थी। ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी कैमरे में वहां पर इस कार की तस्वीर कैद हुई है। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इन तमाम जानकारियों के आधार पर लिंक करने की और बेपर्दा करने की कोशिश इस साजिश को की जा रही है। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें और एटीएस जांच में जुटी है। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। शिवांगी, आपके पास कुछ और जानकारी है लगता है, आप हाथ उठा रही हैं। जी देखिए समीर, आपको बता दें कि लगातार मुंबई पुलिस जो है न सिर्फ ये पता लगा रही है कि ये गाड़ी आखिर कहां से आई है, साथ ही ये भी पता लगा रही है कि आखिर मुंबई के किस रूट से होकर ये गाड़ी जो है वो इंटीलिया के करीब पहुंची है। और इसी कड़ी में अब मुंबई पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। हाजी अली जंक्शन पर ये देखा गया है कि 10 मिनट तक ये गाड़ी जो है वो वहाँ पर रुकी गई थी और अब मुंबई पुलिस जो है पीछे की ओर सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और ये देखने की कोशिश करी कि और कहाँ कहाँ से ये गाड़ी होकर गुजरी है, क्या रूट था, कहाँ से आई है। साथ ही जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि ये किसी सिरफिरे का काम है तो ऐसा लगता नहीं है पहली नज़र में अगर देखा जाए, क्योंकि कोई भी सिरफिरा व्यक्ति जो है इतने प्लान तरीके से इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके मुंबई इंडियन की बैग को लेके, जिलेटिन स्टिक्स को लेके, फिर लेटर लिख के और ठीक ऐसी जगह पर जो सुरक्षित जगह है जहाँ पर वो सुरक्षा कर्मियों के हत्थे नहीं चढ़ेगा, ऐसी जगह पर अगर ये गाड़ी ला कर रखता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पहली नज़र में देखने पर कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच करी। एक बार तस्वीरें आपको एंटीलिया की भी दिखाते चलते हैं कि देखिए कैसे कल से ही यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो और भी ज्यादा टाइट कर दिए गए। लगातार पुलिस यहां पर जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और यही नहीं पूरे मुंबई शहर में पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि जब से ये जिलेटिन स्टिक्स मिले हैं तब से मुंबई शहर में भी एक तरह का खतरा कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था और यही कारण है कि रात से ही कई टीमें अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ अंबानी परिवार के लिए जो ट्रेलर ये कह रहे हैं लेकर आए थे या मुंबई में और भी कहीं पर इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु है जो अभी तक पुलिस को नहीं पता चल रही। तो फिलहाल पुलिस अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है, बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना होगा और ये भी देखना होगा कि ये जेलेटिन स्टिक। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, आपने जो जानकारियां दी हैं उस पर पीके जैन साहब भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। और जैन साहब, जो नजर आता है वो तो यही है, ये आम छोटे मोटे अपराधियों का या बड़े बदमाशों का काम जो है वो नजर नहीं आता, क्योंकि जिलेटिन की छड़ें ये तो या तो आतंकी इस्तेमाल करते हैं या नक्सली इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिलेटिन की छड़ें जो हैं बड़े आराम से मार्केट में और ब्लैक मार्केट में उपलब्ध हैं। अच्छा। जितने भी गांव में कुएं खोदने का काम किया जाता है उसमें सब बड़े पैमाने पे जिलेटिन की छड़ें यूज की जाती हैं। आप कहीं भी चले जाइए राजस्थान में, महाराष्ट्र के गांव में, लोग ट्रैक्टर में भर के जिलेटिन की छड़ें और साथ में डेटोनेटर लेके चलते हैं। जहां पे भी कोई खुदाई होती है उसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसका इस्तेमाल आपराधिक कार्रवाइयों के लिए भी किया जाता है। बहुत बार जिलेटिन जहां पे स्टॉक किया जाता है उनको लूटा जाता है, या रास्ते में जो ट्रक होते हैं उनको लूटा जाता है। ये एक बहुत मतलब एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन जिलेटिन की छड़ें कहीं भी उपलब्ध होना ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको अच्छा। किस काम के लिए यूज किया जाता है वो एक आगे देखने वाली बात है। अगर आप एक्सप्लोजिव डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेंगे तो जहां पे ये मैन्युफैक्चर होती है कुछ फैक्ट्रीज में, वहां से लेके जो एंड यूजर है वहां तक पहुंचती है, उसमें बहुत सारी जगह पे लूप होल्स हैं। तो बहुत सारे लोग जो है उसका फायदा उठा के जिलेटिन की छड़ें रखते हैं, उनको ब्लैक मार्केट में बेचते भी हैं। इसलिए नक्सल यूज करते हैं बड़े पैमाने पर, इसमें कोई शंका नहीं है। कई जगह पे और ब्लास्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके बारे में भी शंका नहीं है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये काम जो है, जो प्राइमर फेस ही मुझे लगता है, मेरा अनुभव है थोड़ा सा, उसमें मुझे ये लगता है कि ये कोई ना कोई इनकी खुद की सिक्योरिटी डिटेल का आदमी होना चाहिए, इनके क्लोज नेटवर्क का आदमी होना चाहिए, जिनको इनके पूरे रूटीन के बारे में मालूम था। गाड़ी 200 मीटर दूरी पे खड़ी की गई, ऐसी जगह पे खड़ी की गई जहां पे नोटिस भी हो जाएगी। सी आज ये सारी चीजें ये दिखाती हैं, और नई गाड़ी ली गई उसको नंबर प्लेट, जहां तक उसका जो नंबर है इंजन नंबर और चेसी नंबर, मेरे हिसाब से वो भी मैंने सुना कि कुछ मिटाने की कोशिश की गई। अगर चोरी की गाड़ी थी तो फिर वो नंबर मिटाने की क्या जरूरत थी, सीधा चोरी की गाड़ी को लेके आते, उसको यूज करते, छोड़ देते वहां पे। तो ये चीजें मुझे लगता है मुंबई पुलिस काफी डिटेल में इसकी तहकीकात कर रही है। मेरा ख्याल है कि एक दो दिन में ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि इस साजिश के पीछे कौन आदमी इन्वॉल्व है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।